हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सफल दांपत्य जीवन से न सिर्फ चेहरे पर ताजगी और सुकून का एहसास झलकता है, बल्कि व्यक्तित्व विकास, सोशल बिहेवियर और आत्मविश्वास में भी निखार आता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस सुकून भरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना होने दे, बल्कि हर पल इसे और भी अधिक सफल बनाने और निखारने का भरसक प्रयास किया जाए। कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सुख दुख सब एक शादी के बाद पति पत्नी का हर सुख दुख एक हो जाता है, इसलिए इससे मुंह ना मोड़े और ना सोचे कि अरे ये तो इसकी खुशी या इसका गम है, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, बल्कि ये सोचे कि ये हम दोनों की खुशी व दुख है जिसमें हम दोनों की सहभागिता जरूरी है। और इसमें दूसरा टिप आता है अविश्वास। आपसी विश्वास रिश्ते की मजबूती का सबसे अहम आधार होता है। आप गलत भी ना हो, पर जीवन साथी से बातें छिपाना उनके विश्वास को तोड़ने जैसा ही होता है। आपके किसी व्यवहार की वजह से पार्टनर का संदेह करना, कुछ बातें अनकही रह जाना, गलत फहमियों को दूर न करना आदि बातें अविश्वास को जन्म देती है। पार्टनर का विश्वास जीतने के लिए आपको यह भी जताना होगा कि आप हमेशा उसके साथ हैं और वह हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर कर सकता है। और इसमें तीसरा टिप आता है उतार चढ़ाव। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ता है। यदि कभी आपको फाइनेंशियल या फिर फैमिली परेशानी से जूझना पड़े तो उसके लिए अपने साथी को दोष ठहराने की बजाय उसका साथ दे व उस परेशानी से निकलने का प्रयास करें। आपस में झगड़ने के बजाय उन स्थितियों को ठीक करने की दिशा में कार्य करें जिनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर आप कुछ समय के लिए अपने को समय के प्रवाह के साथ बहने देते हैं तो कठिन परिस्थितियों से जूझना आसान हो जाता है। और इसमें चौथा टिप आता है कम्युनिकेशन। वैवाहिक जीवन में तनाव या परेशानियां उन स्थिति से ज़्यादा उपजती है जब पति पत्नी एक दूसरे से अपने मन की बात या भावनाएं शेयर नहीं करते। यह कम्युनिकेशन गैप उनके अंदर गुस्से की भावना पैदा करता है। अपने पार्टनर को रोमांस से जुड़ी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताएं, रोमांटिक माहौल बनाएं और प्यार के पलों में अन्य सभी बातों को भुला दें। और इसमें पांचवा टिप आता है बुराई न करें। सदस्य चाहे घर का हो या बाहर का हो, इस बात का ध्यान में रखें कि उनके सामने पार्टनर की बुराई न करें बल्कि अच्छाइयों को उजागर करें। अगर आप अपने पार्टनर की बुराइयों का पुलंदा लेकर लोगों के बीच बैठेंगे तो इससे आपकी इज्जत ही घटेगी, साथ ही पार्टनर की इज्जत भी नहीं रहेगी। इसलिए बाहर के लोगों के सामने शालीनता के साथ पेश आए और साथी की जो भी कमी है उसे सबके सामने उजागर न होने दें। और इसमें नेक्स्ट टिप आता है हर फैसले में साथ ले। फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा, पति पत्नी दोनों को साथ होना चाहिए, साथ मिलकर फैसला ले, क्योंकि अकेले फैसले लेने से कभी कभी गलत फैसला भी ले लिया जाता है। और अगर आप दोनों अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो परिवार के सदस्यों की मदद ले। तो दोस्तों, ये तो थे रोमांटिक रिश्ते जवां रखने के 6 सीक्रेट फंडे। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।